कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू फर्स्ट व्लॉग हमारा मैनचेस्टर में। फूफा ने बिरयानी बनाई है, चाय, और ये कोई सैलेड है, और सारा सैलेड तो नदीम ने रख दिया, और ये चेरी टोमेटोज बड़े मजे के हैं। फूफा सुबह सुबह जलेबी लेके आई है। इंग्लैंड में भी आके ना फुल देसी नाश्ता हम लोगों ने किया। खैर आज तो पहला दिन था और दिन का एक हो गया, इस वजह से हमने सोचा कि खाना ही खा लेते हैं। और ये कोई केक अभी फूफा दे के गई है, लेमन केक, ये भी ट्राई करते हैं साथ। आज जो फर्स्ट डे है वो तो हमारा सोते हुए गुजरा है। मैंने सोचा था कि पहले दिन का व्लॉग बनाऊंगी, मैनचेस्टर में पहला दिन कैसा गुजरेगा, वो तो सोते हुए गुजरा है। मीर हादी भी सोया रहा है। हाँ थोड़ी मेरे को वॉक करें, थोड़ी टांगे सफर में बैठ बैठ के, और अभी यहाँ लेट लेट के ना बस हुई भी है। अब मेरे ख्याल से दो दिन लगेंगे हमारी थोड़ी थकावट उतरने में। व्यू वाकई बहुत अच्छा और मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, है ना। अभी इस मौसम में जब हम आए हैं, अभी बारिश हुई, अभी धूप होगी, दस मिनट में फिर बारिश आ जाएगी, दस मिनट में काले बादल इधर ही आ रहे हैं। मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ, सामने बहुत अच्छा व्यू है। ये व्यू देखिए कितना अच्छा है, और वो सामने धूप भी है और बादल भी। बड़ी पुरसुकून जगह है यार। बहुत शोर है यहाँ पे, दूर से ऐसा लग रहा था जैसे पानी की आवाज है। अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं और मैंने टाइम देखा है, रात के 7:30-8 होने वाले हैं, और ऐसे धूप है जैसे हमारे नहीं, ऐसे 3-4 का टाइम होता, नहीं शाम का टाइम होता, मतलब धूप होती है जब, लेकिन अभी 8 हो गए होने वाले हैं और यहाँ पे वैसी धूप है। मुझे लगता है 10 बजे जाएगी, 10 बजे की जब हम रात, ये न्यू चीज है हमारे लिए। जब रात हम 10 बजे लैंड हुए ना, हाँ शाम थी ना, तब ऐसे पता चलता जैसे शाम हुई है अभी, लेकिन रात के 10 हो गए थे। मैं पप्पा को चीज़ें दिखा रही थी जो मैं एमरेट्स से चोरी करी के आंदी हूँ, बची बन क्रीम टिश्यू तो चलो यूज है। पिज्जा ये सना रेडी है, मैं डबल जी इतनी अच्छी लगी है वीडियो। ये मुरुंडा जरा इंग्लिश स्टाइल ना, चॉकलेट लगी हुई है इसने पर, लेकिन है बड़ा टेस्टी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग बना रहे हैं नाश्ता, चमचा तो मैं तकिया। अभी मैं और नदीम जा रहे हैं यूके की गलियों में, और होते हुए रास्ता भूल गए हम लोग, कुछ याद नहीं रहा, और हमारे पास इंटरनेट भी नहीं है कि हम मैप खोल सकें। ओहो ऐसे बड़ा मजा आ रहा है, बड़े साफ साफ रोड है। पाँव थक गए। ये किस तरह का है, दरख चेक करो ये किस तरह के, नहीं हाथ लगाए वाला। ये देखें कितना अजीब सा दरख्त है, अगर हम भूल गए तो फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। हम कोई 40-45 मिनट से चल रहे हैं, इधर तो पतले हो जाना है नदी। मीर हादी की तो मौज है, इस ये रोज कहता है मुझे बाहर ले, और जो ही हम इसको लेके आते हैं ये सो जाता है गाड़ी पे, अपनी गाड़ी में सो जाता है ये। और ये वाली रोड है जहाँ हम लोग चल रहे हैं, पता नहीं कौन सी स्ट्रीट थी, मैं पीछे पढ़ के आई थी फिर भूल गई। अभी हम फूफा के फ्रेंड के घर जो है ना, उनकी रेड़ी वापस कर आए हैं, और उन्होंने हमें ये पूरा बैग भर के जूस और फ्रूट्स और पता नहीं क्या क्या दिया है, तो पानी भी दिया है। तो अब हम चलते हैं कहीं, बैठते हैं पार्क है इधर नियर बाय, तो उधर बैठ के हम लोग खाते हैं। और सामने का व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें कितनी ऊंचाई पर है, और वो जो सामने है ना वो मैनचेस्टर सिटी है। अभी तक ये जो चाट है ये नदीम ने बनाई है, बहुत ही अच्छी। बाकी मुझे पास्ता के लिए नदीम ने सारी कटिंग करके दे दी है, मैं वो बनाऊंगी। और इसके अलावा जो पास्ता है वो मैंने बॉईल कर दिया था, बाकी इसके मैं अब बनाऊंगी सेवइयां, और ये भी नदीम ने बॉईल कर दिए। गुड जॉब नदीम, गुड जॉब। भी कर दी है ना दाल, दाल भी जो है नदीम ने वो डाल दी है, सुगर नदीम है सुगर। अब नदीम आप जाए, मेरा काम स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, और आज का दिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नाश्ता लेने जा रहे हैं हम लोग। नाश्ता तो है, मतलब दूध ख़त्म हो गया, तो हमने पप्पा से बोला कि आप रहने दें, हम ही जाके ले आते हैं। और आज धूप भी बहुत अच्छी है,
तो हमने सोचा कि चलते हैं बाहर धूप में, लेकिन हवा ठंडी है इसलिए हमने कोट वगैरह जो है वो पहने हुए हैं। तो खैर बस चलते हैं अब, और मीर हादी भी हमारे साथ जा रहे हैं। हेलो बेबी, इसका मुंह इसलिए ऐसे बना हुआ क्योंकि ये सोया हुआ था। को हो गया उधर। क्यों सोना बेबी, ग्लव्स उतार दिया आपने? ठंड है काफ़ी, और ये हम लोगों ने अभी खाने के लिए साथ रख लिए क्योंकि नाश्ता नहीं किया अभी हम लोगों ने। और ये है आज का मौसम, आज जो है ना धूप है बहुत अच्छी सी। और ये रहे नदीम, गुड मॉर्निंग नदीम। गुड मॉर्निंग चुचू के साथ। आज हमारा पता नहीं दूसरा या धूप लग रही है, दूसरा या तीसरा दिन है, इसको दूसरी तरह कर लें आप, सामने देखेगा। अभी हम लोग इधर तो चीज़ है, आगे चलते हैं। ये क्या है? उधर से देख, नहीं भी लेंगे। नहीं वो तो हमारे अपने घर जाके होगी ना। ये दो क्यों? दो लेने हैं ना। मेरे हादी ये क्या कर रहे हो? मेरा हादी क्या कर रहा है? मेरे हादी भाई होशियार, धूप है ना। हम लोगों ने दूध लेना था, फुप्पो जो है नाश्ता लेके आएंगे लेकिन उन्हें दूध लाने की याद नहीं रही, तो हमने कहा कोई बात नहीं हम लोग ले आते हैं। और मीर हादी का जो है ना वो पानी था वो भी ख़त्म होने वाला था, वो लेके आए हैं, शहद लेके आए हैं, बस ये दो तीन चीज़ें थी जो लेके आए हैं। बाकी तो ग्रॉसरी फुप्पो लेके आई हुई थी, उन बेचारों को याद नहीं रहती, कुछ चीज़ें लाती हैं कुछ वो भूल जाती हैं। तो फिर मैंने कहा आप दोबारा क्या जाएँगे, हम जाते हैं। घर आ गई हूँ अभी, बनाती हूँ नाश्ता अपने लिए भी और फुप्पो के लिए भी, और नाश्ता करते हैं। धूप बड़ी अच्छी है। अभी मैंने हफ्सा को मेहंदी लगाई है, कितना अच्छा लग रहा है, पता नहीं अब कलर इसका कैसा होगा, अच्छा लग रहा है, रेड कलर लग रहा है मेहंदी का। अभी मैं आई हूँ अपने कज़िन के रूम में, और वो बहुत अच्छा मेकअप कर लेती है, तो शी सेड कि मैं आपका मेकअप करती हूँ। तो मैंने कहा ओके भाई, हमें और क्या चाहिए, और बाल भी बना देगी, तो बस तैयार होते हैं, हफ्सा तैयार करेगी मुझे। कितना फोकस है अपने मामू को, बस नगे इस्तेमाल करें ना क्या। मीर हादी नहीं तक करना गाउन। मीर हादी ना जी, कोई परवाह नहीं, ऐसा कि मामू को जाए क्या, भूल गया सब कुछ। मेकअप तो हमारा अभी मिड में ही रह गया, लेकिन बड़ा अच्छा मेकअप किया है वैसे उसने। और कढ़ाई जो है वो नदीम ने बनाई है, और रोटी मैंने आज बनाई है, तो ये नदीम ने चिकन कढ़ाई बनाई है, साथ में मैंने रोटी बनाई है, और कोक और मैं और हफ्सा जो है ना वो बैठ के खा रही हैं अब। मीर हादी ने फ्रेंड्स भी बना ली हैं। मीर हादी इतने सारे फ्रेंड्स हैं मीर हादी के, अपने से भी बड़े। व्हाट्स योर नेम? ओह, एंड व्हाट्स योर इनके नामों की भी समझ नहीं आ रही भाई। मोर डिफिकल्ट योर, उसको देखो ना, ये देखो कितना होश हो रहा है इनको देख के। जाओ जाओ आप भी चलो, जाओ। मैं हो गई हूँ रेडी, ये हफ्ता ने मुझे मेकअप किया, लिपस्टिक मैंने खुद लगाई है और आईलाइनर खुद लगाया, बाकी सारा उसी ने किया है। और ये रहे नदीम अपने बोरिया बिस्तर के साथ, दिन को भी लेट रहते हैं रात को भी लेट रहते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, फूफा बैठी हुई है धूप में मीर हादी को लेके, तो थोड़ी देर में हम लोग भी जाते हैं पार्क वगैरह। बाय बाय मीर हादी, खाला के साथ जाना है, बारिश है चिकड़ जाना। अभी हम लोग पार्क में आए हैं, हमारे घर के पास ही है। हेलो, अभी हम लोग किचन में हैं, और रात के आई थिंक 2 हो गए, मैं तो सो के जागी हूँ, और अभी हम लोग अपने लिए रात के खाने का कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं। फुफो ने कबाब बनाए थे तो उसको हम एयर फ्रायर में बना रहे हैं, और साथ में चिकन पीस, और मैंने थोड़े से फ्राइज भी खाने हैं साथ। तो ये रहे कबाब, और ये देखें अभी हम लोग आए हैं दादी की तरफ, और रास्ते में मुझे याद ही नहीं रही ब्लॉग बनाने की, खाना हम लोगों ने पप्पो के घर खाया था, तो अभी काफ़ी हम लोग लेट आए हैं, 2 होने वाले हैं रात के,
तो बस चेंज करते हैं और सोते हैं। इंशाल्लाह कल का दिन यहाँ स्टार्ट करेंगे। और माशाल्लाह से इनका घर बहुत प्यारा है। यहाँ पे रूम्स जो होते हैं या बाहर जितने भी घर होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनका घर माशाल्लाह बहुत बड़ा है और रूम भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है। रहा मिरर और इसके पीछे है ये बेड जो कि नदीम ने आते साथ ही ख़राब कर दिया। और ये रहा बेड, इधर मेरा हाथी सोया हुआ है अपने बनी के साथ। बनी क्यों उल्टा सीधा हुआ है? गुड नाइट, कान भी इसको सीधा कर देते हैं। गुड नाइट। और यहाँ पे पुप्पो ने जो है हमारे लिए जूस वगैरह और सब कुछ फ्रूट भी रख दिए, नैपकिन भी सब कुछ। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके, सब इतनी कर रहे हैं और पुप्पो ने वेलकम भी किया, फ्लावर्स दिए। वो पता नहीं मैं बाहर ही रखा हूँ टेबल पे, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो बस अभी मैं सोती हूँ, आराम से रेस्ट करते हैं और फिर इंशाल्लाह कल का दिन स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग मीर हादी। गुड मॉर्निंग हो गई, अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और मीरादी को कोको मेलन लगा के देते हैं क्योंकि ये बैठ नहीं रहा। और ये रहा हमारा नाश्ता। मीर हादी ओ क्या कर रहे हो? ये देखिए अभी मैं चेक कर रही थी, इतना प्यारा कोट है वो वाला, और ये बीनी भी बहुत प्यारी है। जब स्नो होगी ना तब इसको मैं करूँगी। और बाकी सारे गिफ्ट्स हैं इसके, और यहाँ पर भी कुछ पड़े हुए हैं। और ये मेरी हादी सोया हुआ है, ये भी नया गिफ्ट है। हाँ ये भी इसने नया पहना, थोड़ा सा खुला है इसको लेकिन मैंने पहना दिया। फिर आ गया दिन के खाने का टाइम, और आज दिन में हम लोग खाने लगे थे बर्गर जो कि होम मेड है। कोशिश करनी है बनाने, नहीं सफरा ने भी बनाए बट ये बनी पुप्पो ने गिफ्ट किया था मीर हादी को। और जब से ये बनी आया ना, मीर हादी को बस यही टॉय पसंद है। सोता है तब भी ये साथ होता है, जागता है तब भी, बस ये बनी मीर हादी के साथ ही है। आज हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैं बाज़ार किसी स्टोर पे जा रही हूँ। फ़र्स्ट जो मैं गई हूँ ना वो है सेंसबरी, ये पहला स्टोर था जहाँ पर मैं गई हूँ शॉपिंग करने। और इसके बाद मैंने काफ़ी सारे स्टोर्स पे मैं अब तक जो है वो हो चुकी हूँ, जैसे मॉर्सन्स हो गया, मैथलिन हो गया, टेस्को, अजदा, ये तो मतलब जाते ही रहते हैं। तो मुझे काफ़ी नो हाउ होगी थी स्टोर्स की, मार्केट की और प्राइजेस की भी। सब स्टोर्स में एलईडी भी जा चुकी हूँ जो कि सबसे सस्ता है। ये है जी अगेन नेक्स्ट डे, और आज हम लोग जा रहे थे ब्रेडफोर्ड मिलने के लिए सब रिलेटिव्स को। तो ये बस वहीं जाने का रास्ता है, और मैंने सिर्फ जो है वो रास्ते की ही बनाई थी वीडियो वहाँ जाके। ऑब्वियसली किसी के घर में हम वीडियो तो नहीं बना सकते, तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।